गुड मॉर्निंग क्लास एट आज हम मैथ्स पढ़ेंगे बेटा। मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स में आज हम एक्सरसाइज 5A कर रहे हैं बेटा। 5A में हमें इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम हमारे पास 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2 डिजिट नंबर के एंड 3 डिजिट नंबर के। तो जब 2 डिजिट नंबर होता है और हमें एक्सपेंड करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 10A+B। तो पार्ट ए दे रखा है बेटा इसका 65। इसमें हमने 6 को ए माना और 5 को बी माना है। जनरलाइज्ड करेंगे बेटा 10 × 6 + 5। जनरलाइज्ड फॉर्म में ये हमारा एक्सपेंडेड हो गया। यहीं पर अगर हमारा 3 डिजिट नंबर होता और हमें उसे एक्सपेंड करना होता तब हम करते 100A + 10 × B + C, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ पार्ट दे रखा है बेटा, जैसे 784। हमने 7 को ए माना, 8 को बी एंड 4 को सी। तो 100 × 7 + 10 × 8 + 4, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा सर्किल, हमें 3 नंबरों का सर्किल करना है जो हमें ऐड करके इस बॉक्स में माने। जैसे 60, ये 60 किस किससे बन सकता है, 40 एंड 20, 140 ये बनेगा 40, 80, 20, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई और जेड की। एक्स वाई जेड की हम वैल्यू बनाएंगे तो लिखिए 3x0 7 1 1 y 2। प्लस 4z 7 and z। देखिए 7 और 2 का प्लस करेंगे तो 9 हो गया, यानी z हमें मिल गया 9। यहाँ भी z है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो x आ जाएगा, यानी 8 and 1 9। x भी मिल गया हमें 8। अब 0 और 7 में क्या प्लस करें, सॉरी 0 में क्या प्लस करें जो हमारा 7 आ जाए, तो 0 और 7 जो है 7 होता है, यानी y भी मिल गया हमें 7। हमें x, y एंड z तीनों मिल गए। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर थे उनका सम 9 हुआ करता था। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया, द न्यू नंबर इज इंक्रीज बाय 45। तो जो नया नंबर बना वो हमारा 45 हो गया। मान के चले बेटा हमारा नंबर क्या होता था, 10x + y, तो इन दोनों का सम होता था 9, क्लियर। हमने इनको रिवर्स कर दिया, यानी 10y + 10x कर दिया, तो नंबर जो इंक्रीज्ड हो गया वो 45 से हो गया, क्लियर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो कंसर्न कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।